बीपीएससी की तरफ से लाखों छात्रों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है और आप सभी के सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं सेकंड की जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसके अंतर्गत अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट है वो लगातार आता रहता है और जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी गई, आप देख सकते हैं 29 मिनट पहले। और क्या अपडेट है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। एक बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है, पहले आप उसको समझ लीजिएगा फिर आते हैं इस वीडियो। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज टू की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पीआरटी जूनियर टीचर साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आपकी हेल्प के लिए एमवी टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो नोट्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीआरटी टीचर की अगर हम बात करते हैं 280 पेज के नोट्स हैं, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें दे दिया गया है और कंप्लीट ये किट रहने वाली है पीआरटी टीचर के लिए। आपको कोई भी अलग से बुक्स या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स मात्र 199 में दिया जा रहा है जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे खरीदना आगे आप वीडियो में समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें जूनियर टीचर की, अगर आप तैयारी करें तो उसके भी कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ है उसे यहाँ पर दिया जा रहा है मात्र 199 में। कक्षा 1 से 12 तक के सभी किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहाँ पर रहने वाला है। दोनों नोट्स यहाँ पर अलग अलग हैं इसलिए अगर आप पीआरटी तैयारी करना चाहते हैं तो पीआरटी नोट्स परचेज करिएगा, अगर आप जूनियर टीचर तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर टीचर की नोट्स यहां पर परचेज करिएगा। जूनियर टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एसएसटी टीचर की नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर की नोट्स हैं और हिंदी लैंग्वेज टीचर की नोट्स यहां पर जूनियर टीचर के लिए मिल जाएंगी। ये आप नोट्स का डेमो वगैरह यहां पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं और ये नोट्स का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ ही साथ नोट्स का फीडबैक भी आप यहां पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स खरीदना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑटोमेटिक 199 का पेमेंट किसी भी तरीके से नोट्स को जो है पेमेंट करते हुए नोट्स को खरीद सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो जो व्हाट्सअप नंबर यहां पर दिया गया है 9455287793 इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स जरूर परचेज, आपने नोट्स के बारे में समझ लिया, ज़्यादा समय बचा नहीं, नोट्स परचेज कर लीजिए। 2 दिन में आप पढ़ लेंगे, 2 दिन में आप रिवीजन कर लेंगे, मतलब 4-5 दिन के अंदर आप नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। बाकी उसमें प्रीवियस ईयर और सब कुछ आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा, कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया अल्दोज टीआरई 2.0 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु कुड नॉट मेक दियर पेमेंट्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन आर प्रोवाइडेड वन लास्ट चांस टू मेक दियर पेमेंट्स ऑन 23rd and 24th November, फेलिंग विच दियर रजिस्ट्रेशन सेल स्टैंड कैंसल। यहाँ पर बहुत से ऐसे लाखों छात्र थे, हजारों छात्र थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था बट फीस का पेमेंट नहीं कर पाए थे या उनकी फीस डिडक्ट हो चुकी थी उनके खाते से बट वो अभी ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाई है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिनकी फीस अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है या जिनकी फीस अभी तक जो है पेमेंट नहीं कर पाए थे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 23 और 24 नवंबर को अपनी जो फीस है उसे यहाँ पर अपना जो है पे कर सकते हैं और पे करने के बाद अपना फॉर्म जो है कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं बट अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके थे तो फीस का पेमेंट आपने अगर नहीं किया था अभी तक तो फीस का पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये गुड न्यूज आप सभी के लिए है और खैर यहाँ पर छात्रों को जो एडिट करने का मौका है फॉर्म में जहाँ कहीं गलतियाँ हुई हैं उसको भी यहाँ पर देना चाहिए था बीपीएससी को, लेकिन वो शायद अब नहीं मिलेगा। बाकी एडमिट कार्ड बहुत जल्द आएंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एडमिट कार्ड 2 से 3 दिसंबर तक हर हाल में जारी कर दिए जाएंगे और 4 से 7 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है। बाकी एक वीडियो और आएगा जो आपके लिए बैड न्यूज है बीपीएससी से निकल के आ रही है, उस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ।